हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी कप्तान सिंह सोलंकी साहब। सोलंकी साहब, जिस तरह से माना जा रहा है आपका पगफेरा जो है सफल रहा है। नहीं, सफल तो देखिए कार्यकर्ताओं का रहा है और कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा जनता का रहा है। ये जनता का इतना बड़ा समर्थन, इतना प्रेम जो उड़ेल दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो ये तो वास्तव में उनका है। मैंने बार बार कहा है कि ये जो ऐतिहासिक समर्थन हमको मिला है, ऐतिहासिक जो जीत हुई है, ये अभूतपूर्व जीत है। न भूतों न भविष्यति, एक इतिहास रच गया राजस्थान के अंदर। ये सबके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबसे पहला जनता का। जनता ने इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा समर्थन हमको दिया हुआ है। बाद में हमारे कार्यकर्ता यानी 4.8 करोड़ मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना, ये हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। उसके पश्चात हमारे नेता, सब नेताओं ने पार्टी की आवश्यकता तो कम, देश की आवश्यकता को समझकर एकजुट होकर के जो इतना बड़ा काम किया है, उसका परिणाम ये आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस परिणाम के आधार पर पार्टी तो मजबूत होगी, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और जनता ठीक दिशा में जाएगी। और अभी किसी भी सदी में भारतवर्ष के अंदर वो परिवर्तन होगा जिस परिवर्तन की आकांक्षा है भारत को और देश की जनता को। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को अपनी फ्लैक्सिब योजनाओं को लेकर गुमान था और चाहते हो, उनका मानना था कि फ्लैक्सिब योजनाओं को लेकर कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलेगी, बड़ा कारण क्या मानते हैं बीजेपी की सफलता का? नहीं देखिए, कांग्रेस कभी यथार्थ में विश्वास नहीं करती, कांग्रेस वास्तविकता में नहीं जानती। कांग्रेस एक नकारात्मक चुनाव प्रबंधन में विश्वास करती है और वो गुमराह करती है, उनको कोई भरोसा नहीं है। वो तो टिकट वितरण के अंदर भी प्रदेश के नेताओं पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। प्रदेश के नेताओं को विश्वास में लेकर जो उनको टिकट बांटना चाहिए तो वो उन्होंने नहीं बांटे। टिकट उन्होंने दिल्ली में बांटे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बांटे, उनके अपनी स्क्रीनिंग कमेटी ऐसी बना ली। अंत में आकर के उन्होंने अशोक गहलोत का भी एक प्रकार से अपमान कर दिया, सीपी जोशी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का उन्होंने उनको अध्यक्ष बना दिया। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट बांटे थे वो तो हर विधानसभा के अंदर 25-25 अनुभवी कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर के बांटे थे। इस बार टिकट वितरण में यहाँ पर नेताओं की नहीं चली, टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं की चली है। हमने जनता की इच्छा को भांप करके सारे टिकट बांटे और आज आप देख रहे हैं कि जहाँ कड़ा संघर्ष था वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 140 से ऊपर 150 तक भारतीय जनता पार्टी सीटें लेकर के राजस्थान में आ रही है। इससे आपको ध्यान में आ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कार्यकर्ताओं से जुड़ी है, जनता से जुड़ी है, कितना अभूतपूर्व विश्वास उन्होंने जीता है। और इसको लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी की जो काम है, यहाँ के जो नेता या कार्यकर्ता प्रभारी के नाते उनसे बहुत खुश हूँ और सबसे पहले जनता को, फिर कार्यकर्ताओं को, फिर नेताओं को बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ी अच्छी रेखा राजस्थान के अंदर इस परिणाम के माध्यम से खींची है। धन्यवाद। इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को चली टिकट उनके आधार पर दी गई, वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा योगदान मानते हैं इस पर? योगदान तो सभी का है, एक मतदान के ऊपर जो कार्यकर्ता बैठा है उसका भी योगदान है, जो नेतृत्व दे रहा है उसका भी योगदान है, सब मिलकर के होता है। और विश्वास भी जो पार्टी के प्रति पैदा होता है वो पूरी की पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पार्टी का, जो पूरी टीम है मतदान केंद्र से लेकर नेता तक, उस सब पर भरोसा होता है। और इसलिए किसी एक के योगदान की को नहीं अपन ने बोलना चाहिए, सभी का योगदान है, बराबर का योगदान है। लेकिन शुरुआत आपने की थी, आपने कहा था वसुंधरा जो है बीजेपी का फेस है, राजस्थान का फेस है, आपने कहा था। और उसके बाद मैंने इसलिए कहा था कि पार्टी जो है हमेशा जनता की इच्छा आकांक्षा के अनुसार चलती है। आज हमने नरेंद्र मोदी को जो घोषित किया प्रधानमंत्री, देश की जनता चाहती है। वसुंधरा राजे को राजस्थान की मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया तो यहाँ की जनता चाहती है। इसलिए हमने ये कहा था कि फेस वो है क्योंकि जनता की इच्छा आकांक्षा उनके प्रति है। आपकी कई बात बिल्कुल खरी निकली, लेकिन अब आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को चली टिकट वितरण में, अब मंत्रिमंडल में किसकी चलेगी? मंत्रिमंडल देखिए, सरकार जिस तरह की बननी चाहिए, जिस तरह का काम लोगों ने करना चाहिए, ऐसे जो कार्यकर्ता होंगे, जो चुनाव जीत करके आए हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो क्षेत्र को समझते हैं, उन सबको ध्यान में रख करके मिनिस्ट्री बनेगी। लेकिन मिनिस्ट्री बनाते समय हम सर्वव्यापी बनाएंगे, माने सारे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो, सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, मिनिस्ट्री बनाते समय मिनिस्ट्री भी सर्वस्पर्शी हो और ध्येय संकल्पित हो जो मिनिस्ट्री है, ताकि जनता का भला कर सके। इन सब बातों को ध्यान में रखकर के मिनिस्ट्री की रचना करने की पार्टी कोशिश करेगी। जिस तरह से माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान माना जा रहा है, साथ ही संघ के कार्यकर्ताओं ने जमकर अंडरग्राउंड काम किया, वी सतीश जी भी लगे रहे, आपने भी पूरा कमान अपने हाथ में रखी, क्या माना जाए कि जो मंत्रिमंडल का जो गठबंधन होगा, जो गठन होगा, उसमें संघ का बड़ा योगदान होगा और बड़े जो संघ से जुड़े नेता है उनका शामिल किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय सामूहिकता के आधार पर लेती है।
जहाँ जहाँ उनको फीडबैक लेना होता है, जिनसे बात करनी होती है, सलाह करनी होती है, हम उनसे सलाह करते हैं, सलाह के आधार पर ही निर्णय करते हैं। इसलिए किसी भी तरह का निर्णय उसके लिए जिन जिन से सलाह करने की आवश्यकता होती है पार्टी वो करती है और उस आधार पर वो निर्णय करती है। किसी एक के कहने से या किसी पूर्वाग्रह के आधार पर पार्टी में निर्णय नहीं होता है। और इसलिए मिनिस्ट्री गठन हो चाहे आगे की सरकार चलाने की रणनीति हो, इसमें जहां जहां जिसकी आवश्यकता हम समझेंगे, हम सबसे बात करेंगे। आपके पगफेरे से सरकार तो लगभग आ गई है, लेकिन क्या उम्मीद कर आम जनता जो राजस्थान की है वो 5 साल का जो बीजेपी के शासनकाल होगा उससे क्या उम्मीद करे? नहीं, ये देखिए, राजस्थान की सरकार बनी है, अन्य प्रदेशों में चुनाव हुए थे वहां भी भाजपा की सरकार बन रही है, और ये 2014 का जो केंद्र का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये जो प्रारंभ हुआ है, ये देश के हित में प्रारंभ हुआ है, और ये जो विजय है, ये जो परिणाम है, ये जो सफलता है, ये निरंतर चलती रहेगी। और आगे सरकारें बनने के पश्चात देश को हम जिस दिशा में लेना चाहते हैं उस दिशा में ले जाने में भी हम सफल होंगे। यानी सरकार जो है राजस्थान में बीजेपी की बन गई है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो 5 साल राजस्थान सरकार के होंगे वो आम जनता के लिए बहुत बेहतर साबित होंगे। कैमरा पर्सन गिरिराज खंडेलवाल के साथ सुरेश बिश्नोई, जन टीवी न्यूज, जयपुर।